हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के जो थर्ड टाइप है पॉलिस्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि पॉलिस्टर इसका नाम है, इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये जो है पॉली और एस्टर से बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एस्टर का पॉलीमर है। ठीक है, अभी एस्टर क्या होता है? एस्टर जो होता है वो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, यानी मीठे गंध वाला जो है एक यौगिक होता है, जिसको हम लोग एल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के रिएक्शन से बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पॉलिस्टर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल को हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं, यानी पेट्रोलियम से हमें रॉ मटेरियल पॉलिस्टर बनाने के लिए मिलता है। अच्छा, पॉलिस्टर जो होता है वो एक ऐसा फाइबर है जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत रिंकल फ्री होता है, यानी इसमें सिकुड़न नहीं पड़ती इस फाइबर में। ठीक है, और साथ साथ में ये धोने में और इसको मेंटेन करने में भी बहुत आसानी रहती है। ठीक है, और पॉलिस्टर का जो सबसे ज़्यादा कॉमन वैरायटी है, मतलब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो पॉलिस्टर के अंतर्गत जो आता है वो टेरेलिन आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि पॉलिस्टर जो होता है वो ईस्टर का पॉलीमर होता है, और जो एस्टर होता है वो जो है वो स्वेट स्मेलिंग कंपाउंड है जो अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के रिएक्शन से बनता है, और इसका रॉ मटेरियल पेट्रोलियम होता है, और साथ में ये रिंकल फ्री और स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, और वॉश ऑफ मेंटेन करने में आसानी होती है इससे। ठीक है, अच्छा, पॉलिस्टर में एक खास बात और है कि पॉलिस्टर को नेचुरल फाइबर के साथ जैसे कॉटन, सिल्क, इनके साथ ब्लेंड भी किया जा सकता है, मिलाया जा सकता है, और दोनों की प्रॉपर्टी का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर पॉलिस्टर को नेचुरल फाइबर के साथ ब्लेंड किया जाए तो कौन कौन से फाइबर बनेंगे और उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, जैसे अगर आप पॉलिस्टर को जो है अगर आप कॉटन के साथ मिलाते हो तो टेरिकॉट या पॉलीकॉट बनेगा, वूल के साथ मिलाओगे तो टेरी वूल या पॉली वूल बनेगा, सिल्क के साथ मिलाओगे तो टेरी सिल्क बनेगा। ठीक है, अब ये जो टेरिकॉट है या पॉलीकॉट है, इसको पॉलिस्टर कॉटन के ब्लेंडिंग से बनाया जाता है, इसका इस्तेमाल ड्रेस मटेरियल, शर्ट, स्कर्ट बनाने में किया जाता है। इसी तरह से पॉली वूल जो है वो पॉलिस्टर और वूल के ब्लेंडिंग से बनता है, जिसका इस्तेमाल सूट लेंथ को बनाने में किया जाता है। इसी तरह टैरी सिल्क जो है वो पॉलिस्टर और सिल्क के ब्लेंडिंग से बनता है, जिसका इस्तेमाल साड़ी और ड्रेस मटेरियल बनाने में किया जाता है। इसके अलावा एक और बनता है जिसमें PET पेट बोलते हैं, जिसका मतलब नाम होता है, फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन टेरेफ्टलेट। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो होता है बोतल, जार, किचन के लिए बनाने में काम आता है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिस्टर के जो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी अभी दी हुई है, नेक्स्ट जो पेज है उसमें अलग दूसरी प्रॉपर्टीज दी गई हैं। तो जो पॉलिस्टर होता है वो कंबस्टिबल एट ए हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर पे ये जो है ज्वलनशील होता है। ठीक है, जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ये ज्वलनशील हो जाता है। ठीक है, जलने लगता है, हीट पैदा होने लगती है इससे। इसके अलावा इसकी जो दूसरा प्रॉपर्टी है कि इट शो लो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी ये बहुत कम पानी सोखता है और बहुत जल्दी सूख जाता है। ठीक है, पॉलिस्टर सिंक मिनिमम ऑन वॉशिंग। ठीक है, अगर आप पॉलिस्टर को धोएंगे तो ये पानी में बहुत कम जो है सिंक करता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका पॉलिस्टर है वो बहुत ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलता है। ठीक है, इट रिटेन्ड इट कलर ऑन वॉशिंग, धोने पे इसका कलर नहीं जाता। ठीक है, इट लाइट वेट, ये बहुत हल्का होता है, इलास्टिक होता है, रिंकल फ्री होता है, और किसी भी शेप में ये जो है जब उसको क्रीज किया जाता है तो रीगेन, ये दोबारा उस क्रीज को पा लेता है, अगर एक बार क्रीज बिगड़ जाए तो दोबारा पा लेता है। इसके अलावा ये हीट का बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो ये तो बात रही पॉलिस्टर के कौन कौन से जो है इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी उसके बारे में हमने जाना। आइए हम जानते हैं कि पॉलिस्टर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पांच यूजेस बताए गए हैं कि पॉलिस्टर का इस्तेमाल हम लोग होम फर्निशिंग में, अपेरल में करते हैं, इसके अलावा इलास्टिसिटी बनाने के लिए। ठीक है, बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट कन्वेयर बनाने के लिए करते हैं।
रिकॉर्डिंग टेप्स बनाने, कैसेट के जो रिकॉर्डिंग टेप्स होते हैं या फ्लॉपी डिस्क बनाने में पॉलिएस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो पैट होता है उसका इस्तेमाल जो है वो बोतल, जार, फिल्टर वगैरह बनाने में किया जाता है जिसमें पॉलिएस्टर इंक्लूड होता है। पॉलिएस्टर का इस्तेमाल जो है वो हम लोग जो है गिटार या पियानो की जो फिनिशिंग देनी होती है उसमें भी हम पॉलिएस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पॉलिएस्टर के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और साथ साथ में किसके बारे में जाना, हम लोगों ने उसके यूजेस के बारे में जाना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्रेलिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।